सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोमवार 10 मई 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से आप दिन दुगुनी और रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कौन कौन सी कष्टों को लेकर आने वाली है, जिससे आपको सावधान रहना है। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीज़ों से लेकर आपकी राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 10 मई 2021 दिन सोमवार का है। महीना जो है वो वैशाख का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नामक तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 9:55 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की अमावस्या नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 8:25 तक चलेगा और इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो आयुष्मान नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 9:39 तक चलेगा और इसके उपरांत सौभाग्य नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का समय सुबह के 5:52 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक शाम के 6:54 पर और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 4:56 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक शाम के 5:50 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगा, अर्थात आज का शुभ समय यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा। चलिए बात करते हैं अब अशुभ काल की, यानी राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 7:29 से लेकर ठीक सुबह के 9:07 तक चलेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं चलता, जो हमेशा तक चलता वह आसानी से नहीं मिलता। हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो असल में वो आपका हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी चाहिए। सब जगह धोखा है, परंतु हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, वाणी बता देता है कि इंसान कैसा है, नजरें बता देता है कि सूरत कैसी है और स्पर्श बता देता है कि नियत कैसी है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। इसी के साथ जानते हैं सिंह राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं आज आपके सितारे, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आपकी लोकप्रियता अपने चरम पर होगी, आप दूसरों पर अधिक प्रभाव डालेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप अधिकारियों के साथ टकराव से बचे रहें तो आप व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है और उसे थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपका पारिवारिक जीवन बहुत शांतिपूर्ण और खुशहाल रहेगा, बस अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करें। आपका जीवन साथी और बच्चे शनि और
प्यार करने वाले होंगे, हम आपको बताना चाहेंगे। परिवार में कुछ शुभ समारोह हो सकता है, आपको अपने स्वास्थ्य संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आज आपका स्वास्थ्य कुछ खराब होने की आशंका है, हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप किसी भी चीज का अच्छे से आनंद उठा पाएंगे, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, हम आपको बताना चाहेंगे। आज आपको सूजन, सिर दर्द और आंखों की शिकायतें होने की संभावना है, अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या होती है तो आप उन्हें डॉक्टर से जरूर दिखाएं। चलिए अब आपके लव लाइफ की बात करते हैं, साथी नाराज हो सकता है, आपको बता दें लव पार्टनर के कारण आपके अत्यधिक प्रेम संबंध हो सकता है, वह आप पर विश्वास न करे, भाई बहन का सहयोग दूरियां कम करेगा। आपको बता दें अगर कोई पुराना झगड़ा चल रहा है तो उसे निपटाने में समझदारी है, इसलिए आपको मिलकर बैठें और बातचीत के गिले शिकवे हटाएं।